पढ़ना है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। अभी तक जितना आपने इसके बारे में पढ़ा है सब भूल जाओ। जी हाँ, सब भूल जाइए, बिल्कुल नए सिरे से और नए तरीके से आपको सिखाऊंगा और आपको इसे ऊपर ले आके छोड़ दूंगा मैं। ये तीनों चीजें आई कहाँ से हैं? ये आई है मोशन के अंदर से। अब ये मोशन क्या होता है पहले इसको सीखो आप। मोशन कहते हैं गति को या हरकत करने को, या और आसान भाषा में कहूँ तो हिलने को मोशन कहते हैं। क्या होता है ये अभी दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए। जी हाँ, तो देखा आपने ये मोशन थी। क्या किया मैंने? मैंने एक जहाज को अपनी जादू शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से वहाँ भेज दिया। इस जहाज ने हरकत की, यहाँ से वहाँ चला गया, मतलब इसने एक मोशन की है। अब इस मोशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो जानते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़, पहले क्या था, जहाज यहाँ था ऊपर, ऊपर से मैंने धक्का दे के जहाज वहाँ पहुँच गया। अब वहाँ से और यहाँ में कुछ तो डिस्टेंस है ना, मतलब जहाज ने यहाँ से वहाँ जाने में कुछ फासला तय किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी कोई चीज मोशन करती है तो वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करती है, जैसे इस जहाज ने किया। मेरा हाथ अभी यहां है, यहां से ये मोशन करके यहां आ गया। अब यहां से यहां तक कुछ डिस्टेंस कवर किया इसने, तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी चीज जब मोशन करेगी कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगी। पहली बात ये ध्यान रखेंगे। और क्या होता है इसमें, दूसरी चीज में देखिए क्या होता है। जब जहाज यहां था तो वीडियो में कुछ टाइम था, ठीक है, वो जब मैंने उसको धक्का मार के वहां पहुंचा दिया तो कुछ और टाइम हो गया, तो मतलब टाइम बढ़ गया। मैं ये कह सकता हूं कि जब कोई चीज मोशन करती है तो वो कुछ ना कुछ टाइम भी लेती है। मेरा हाथ यहां पर है, वीडियो में टाइम देखो क्या हो रहा है अब, और ये मेरा हाथ मोशन करके यहां आ गया, अब टाइम देखो क्या हो रहा है, कुछ सेकंड्स बढ़ गए ना, कुछ सेकंड्स बढ़ गए ना। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई चीज मोशन करेगी वो कुछ ना कुछ टाइम भी लेती है। तो दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है। तीसरी चीज क्या ध्यान रखनी है कि जब भी कोई चीज मोशन करेगी वो किसी स्पीड से मोशन करती है। जहाज को मैंने धक्का दिया तो कुछ स्पीड से गया होगा, ठीक है, ये हाथ यहां से यहां आ रहा है तो कुछ स्पीड से होगा। अब स्पीड स्लो है, अब स्पीड तेज हो गई, तो इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई भी चीज मोशन करेगी वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगी, कुछ ना कुछ टाइम लेगी और किसी ना किसी स्पीड से उस डिस्टेंस को कवर किया जाएगा। यह तीनों चीजें मोशन में से निकल के आई। वैसे तो और चीजें भी हैं, डायरेक्शन भी होती है, मोमेंटम भी होता है, एक्सेलरेशन भी होती है, कई सारी चीजें हैं, लेकिन वो सब हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। मैथ में सिर्फ हमें यही तीन चीजें चाहिए, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम। तो यहां से ये निकल के आई है, समझ में आ गए। अब इनके बीच में कुछ रिश्ता भी होता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता देखिए होता क्या है, ये रिश्ता होता है कि अगर आपको स्पीड निकालनी हो किसी चीज की तो आप क्या करेंगे, आपको डिस्टेंस दे रखा होगा, आप डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे टाइम से, कि जितने टाइम में उसने कवर किया है ना वो डिस्टेंस, उससे आप डिवाइड करो तो आपकी स्पीड निकल के आ जाएगी। ये रिश्ता है आपका टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का रिश्ता। इसी फॉर्मूले से दो फॉर्मूले और बने हैं कि अगर आपको टाइम निकालना हो तो आप ये कर देंगे, और अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो तो आप ये कर देंगे। तो यहां से ये तीन फॉर्मूले बनते हैं और यही सवाल में यूज होंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने का है। अब ये सवालों में कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा बहुत ही बढ़िया तरीके से। देर किस बात की, वीडियो लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगाओ, फिर हम सवालों को करना स्टार्ट करते हैं। आइए क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करते हैं। वो मेरा मकसद क्वेश्चन कराना नहीं है, कुछ चीजें रह गई हैं वो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो देखकर फिर जाना, जब भी आपका पूरा फायदा होगा वीडियो देखने का। सवाल है यहाँ पर कि एक 125 मीटर लंबाई की एक रेलगाड़ी रेलवे लाइन के किनारे लगे एक पेड़ को पार करने में 30 सेकेंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, हमें रेलगाड़ी की स्पीड बताना है। सबसे पहले सवाल समझो, ये भी एक आर्ट है। एक रेलगाड़ी है हमारे पास, एक पेड़ लगा हुआ है, रेलगाड़ी कुछ स्पीड से उस पेड़ को 30 सेकंड के अंदर पार कर लेती, तो कितनी स्पीड से गई ये हमको बताना है। तो जब भी ऐसा केस होगा, सुन लीजिए ध्यान से, लिख भी लीजिएगा, जब भी ऐसा केस हो कि कोई पेड़ खड़ा हो, कोई खंबा खड़ा हो सकता है, या कोई व्यक्ति भी खड़ा हो सकता है, तो जब भी इन तीनों में से कोई भी चीज़ होगी और रेलगाड़ी उसको कुछ स्पीड से पार करेगी कुछ टाइम में, तो ऐसे केस में अगर आपको स्पीड निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे वो सिखाता हूँ। देखिए आपको मैंने फॉर्मूला तो
बता दिया है कि भाई जब भी आपको स्पीड निकालनी हो क्या करना, आप ये करना कि ऊपर तो रखना, आप डिस्टेंस के जो भी दूरी है वो हमें दी गई है वो ऊपर रखो और उसको डिवाइड कर दो आप टाइम से, ठीक है, समय से उसको भाग कर दो। ये मैंने आपको सिखा दिया। अब यहाँ पर डिस्टेंस क्या लेंगे हम, ये हमें बताना है। डिस्टेंस तो दिया नहीं गया हमें कि यहाँ से यहाँ तक ट्रेन गई है ना, ये तो नहीं बताया ना। तो जब भी ऐसा केस हो कि जब कोई पेड़ हो, कोई खंभा हो, कोई व्यक्ति सिर्फ खड़ा हुआ हो, ट्रेन गुजरे, ऐसे केस में जो डिस्टेंस होगा ना वो उस रेलगाड़ी की लंबाई ही होगी। ये बात ध्यान रखना आप, ऐसे केस में उस रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी वही डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पर हमें स्पीड निकालनी है, ठीक है। डिस्टेंस हम क्या रखेंगे, डिस्टेंस रखेंगे रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 125 मीटर, ठीक है, मीटर में है ये लंबाई। टाइम कितना लगा है, 30 सेकंड का लगा है। इसको मैं डिवाइड करके आंसर ले आऊँगा, मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। लेकिन जो आंसर आएगा ना वो गलत आएगा। जी हाँ, गलत आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये मीटर में है, टाइम सेकंड में है, तो इसको डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो मीटर पर सेकंड आएगा। और डिवाइड कर भी देते हैं, इसको मैं डिवाइड करूँगा तो ये 5 से कट जाएगा, 25 पंजे 125, और ये भी कट जाएगा 5 6 30, तो 25/6 मीटर पर सेकेंड आएगा ये, ठीक है। लेकिन हमें जो आंसर देना है वो किलोमीटर प्रति घंटा में देना है। क्यों, क्योंकि ट्रेन की स्पीड पूछी है। क्या हम कभी स्पीड मीटर पर सेकेंड में बताते हैं? ट्रेन की स्पीड तो हम किलोमीटर प्रति घंटा में बताते हैं कि भाई इसकी 80 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड, इसकी 90 मीटर पर सेकंड में तो नहीं बताते। तो इसका मतलब इस मीटर पर सेकंड को हमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उस कन्वर्टर के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसकी 18/5 से 18/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों कर दोगे सर, रात चल रहा है कि आपका, कुछ भी आप बीच में डाल दोगे? जी हाँ, मैं कुछ भी ऐड कर दूंगा। अब ये मैंने क्यों किया है इसका लॉजिक दूंगा, अभी आपको एक्सप्लेन भी करूंगा क्यों किया है, कैसे बना है, सब बताऊंगा। अभी सिर्फ आपको क्या करना है, जब भी आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा बनाना हो, आप 18/5 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, बन जाएगा। अब जो वैल्यू आएगी वो किलोमीटर वाली आएगी। तो इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। देखिए, ये जाएगा यहां पर 6 3 18 और ये यहां से जाएगा 5 5 25, तो हमारे पास आएगा 5 × 3 5 3 कितने होते हैं 15। तो अब जो ये 15 आया, ये किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, हमने ये मल्टीप्लाई करके किलोमीटर में बना लिया। तो उस ट्रेन की स्पीड जो थी वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ऐसे हमको सॉल्व करना है। लेकिन सवाल ये उठता है अब कि सर क्यों ये 18/5 लगाया है, ये लॉजिक सीख कर जाना, बहुत काम की चीज बता रहा हूं आज आप मैं आपको। अब देखिए, बहुत ध्यान दीजिए इधर, जब भी आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर बनाना हो या कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे? तो मैंने बताया 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन क्यों कर दो, इसी सवाल से समझते हैं। आइए, हमारे पास मीटर पर सेकंड में क्या था, 25 मीटर और 6 सेकंड, ये थे ना हमारे पास। अब अगर मुझे इस मीटर को किलोमीटर बनाना हो तो मैं क्या करूँगा, मैं इस 25 को ना डिवाइड करूँगा। क्या करूँगा, मैं इस 25 को 1000 से डिवाइड करूँगा। 1000 से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो जब मैंने इस मीटर को 1000 से डिवाइड किया तो अब ये बन गया किलोमीटर, ठीक है, क्या बन गया, ये किलोमीटर बन गया। अब ऐसे ही मुझे इस 6 सेकंड को क्या करना है, इस सेकंड को घंटा बनाना है, किलोमीटर पर आवर बनाना है, ठीक है, ये तो बन गया किलोमीटर। अब इसको मुझे बनाना है आवर, तो इस 6 की मुझे किससे डिवाइड करनी पड़ेगी, इस 6 की मुझे करनी पड़ेगी 3600 से डिवाइड। क्यों, क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। भाई 1 मिनट में 60 हुए और हर 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 6 × 3600 बन जाएगा इस तरीके से। तो यहां पर 3600 सेकंड से जब मैं इस 6 सेकंड की डिवाइड करूंगा तो ये घंटा बन जाएगा मेरा। तो ये बन गया किलोमीटर प्रति घंटा। इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंपल करूं तो देखिए, बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई और अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई मैंने आपको सिखा रखा। तो बाहर बाहर कौन है, 2500 3600, 2500 × 3600 ऊपर आ जाएगा। और अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई, अंदर कौन कौन है, अंदर है हमारे पास 6 × 1000। अब देखिए, 25/6 तो पहले भी हमारे पास था, है ना। अब यहाँ पर देखिए, इन दो जीरो से ये दो जीरो कट गए, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 2 से डिवाइड करूँगा तो 36 जाएगा 2 से 18 बार, और 10 जाएगा 2 से 5 बार, 2 × 5 = 10 और 18 × 2 = 36। तो इस तरीके से यूनिट चेंज करने के बाद अगर मैं फाइनल रिजल्ट देख रहा हूँ तो 18/5 आ रहा है। और ये जो इधर का मेरा चीज़ थी, ये वाला पोर्शन, ये एज इट इज़ है। तो मैं कह सकता हूँ कि जब भी मुझे मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा बनाना होगा, मैं क्या करूँगा, मैं 18
18/5 से मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों करूंगा? लॉजिक मैंने आपको दे दिया है, समझ में आ गई बात। इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, मैं साइड में ही हूं, वरना इसको हटा के मैं यहां पे लिख देता हूं आपके लिए और अच्छे करके। समझ में आ गई ना बात, क्यों हुआ ये? पूरा लॉजिक दिया मैंने आपको, सब कुछ क्लियर करके बता दिया। तो आपको क्या करना है यहां पर, आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा बनाना, तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे 18/5 से इसकी, इस मीटर पर सेकंड की मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 से, तो आपका क्या बन जाएगा, आपका किलोमीटर प्रति घंटा बन जाएगा, पॉइंट नंबर वन, ये ध्यान रखना। अच्छा, अगर इसका उल्टा हो जाए, उल्टे का मतलब क्या है कि अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा से बनाना हो मीटर पर सेकंड, अब क्या करोगे आप, तो अब इसका उल्टा कर दोगे, अब आप करोगे 5/18 मतलब 5/18 से करोगे आप मल्टीप्लाई। क्यों करोगे, उसका भी लॉजिक देखो। अब यहां पर किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। एक घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स होते हैं, 20 से 20 कट जाएगी, ऊपर हमारे पास 10 है, 2 से काटेंगे, 2 × 5 = 10, और नीचे हमारे पास 36 से कटेगा 18 से, तो 18 इस तरीके से हमारा 5/18 आएगा। कब? कि जब आपको किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड बनाना, तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई करना। ये दो बातें ध्यान रखोगे अब आप। अब सबसे बड़ा सवाल, सर याद कैसे करूं, किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड, 5/18, 18/5, सारे नंबर तो सेम जैसे ही है, तो मैं कैसे याद करूं कि कहां पर कब क्या करना पड़ेगा। इसकी भी ट्रिक देता हूं, शॉर्ट ट्रिक तो मेरे पास ही मिलेंगी आपको, और कहां जाएंगे आप। तो देखिए यहां पे अब इसकी याद करने की शॉर्ट ट्रिक सुनिए। ट्रिक ये है कि अब आपको ध्यान देना है, आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर, मीटर एक छोटी इकाई है, छोटा यूनिट है। मीटर कितना होता है, इतना होता है, और किलोमीटर तो बहुत लंबा होता है। तो जब भी आप एक छोटी इकाई से बड़ी इकाई बना रहे हैं ना, अब बड़ी इकाई जब आप बनाएंगे, तो किसी नंबर को जब हमें बड़ा बनाना हो, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसकी एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जब भी हम छोटी इकाई से बड़ी इकाई बनाएंगे, बड़ी यूनिट बनाएंगे, तो हमें उसकी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इस वजह से हम 18 को ऊपर रखेंगे, मतलब मल्टीप्लाई में ऊपर 18 रखेंगे, बड़ा नंबर, ताकि ये हमारा किलोमीटर प्रति घंटा बन जाए। ऐसे आप याद रख सकते हैं। अब ऐसे आप इसको याद कर लो, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड बनाना है, किलोमीटर इतनी लंबी इकाई, ठीक है, मीटर छोटी इकाई। तो जब आप बड़े नंबर को छोटा बनाओगे, तो क्या करना पड़ेगा भाई, किसी बड़े नंबर को छोटा बनाने के लिए हम उसकी डिवाइड करते हैं। तो आपको बड़े नंबर को छोटा बनाना है, तो फिर किसी बड़े नंबर से डिवाइड कर दो, वो छोटा हो जाएगा। तो ऐसे केस में हम 18 नीचे डिवाइड में रखेंगे, तो ये छोटा हो जाएगा। इसलिए 5/18 कब लगाएंगे, कि जब हमें किलोमीटर से मीटर पर सेकंड बनाना हो, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। ये याद करने की ट्रिक थी, मजा आ गया होगा उम्मीद करता हूं आपको। तो ये लॉजिक था इस सवाल को समझाने का, और ये यूनिट कन्वर्जन आपको समझाने का। आइए अब एक बढ़िया सा सवाल करते हैं, आइए अगला सवाल देखते हैं, और इसमें एक अलग केस है, सीख कर जाओ, बता रहा हूं मैं, अलग केस है इसमें। यहां पर सवाल है कि एक 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी 78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक सुरंग को एक मिनट में पार कर लेती है, तो उस सुरंग की लंबाई मीटर में कितनी है, यह बताना है। अब हमें एक सुरंग की लंबाई बतानी है, एक ट्रेन है, वो एक स्पीड हमें दे रखी है, इस बार स्पीड दे रखी है, वो उस स्पीड से एक मिनट में एक सुरंग को पार कर लेती है, तो उस सुरंग की लंबाई कितनी है, ये हमको बताना है। तो अभी हमने केस सीखा था पहले, अब दूसरा केस सीखो। इस केस में क्या है कि जब भी ऐसा हो कि कोई ट्रेन किसी सुरंग को, किसी प्लेटफॉर्म को, किसी ब्रिज को, या किसी भी पुल को, या नदी के ऊपर बना जो पुल होता है ना, इसको अगर वो पार करेगी, तो ऐसे में डिस्टेंस हम क्या लेंगे। अब यहां पर हमें डिस्टेंस दिया है क्या, यहां पर डिस्टेंस नहीं दिया, तो ऐसे केस में हम डिस्टेंस क्या करेंगे, हम डिस्टेंस लेंगे उस ट्रेन की लंबाई प्लस उस ब्रिज की, उस पुल की, उस प्लेटफॉर्म की, या उस सुरंग की लंबाई, दोनों की लंबाई को हम जोड़कर पूरे जो डिस्टेंस है वो हम मानेंगे। समझ में आ गया, दूसरा केस है, ध्यान रखना। कभी भी ऐसा केस हो, क्या करना है आपको, ट्रेन की लंबाई प्लस उस ब्रिज की, उस प्लेटफॉर्म की, उस सुरंग की, जो भी वो लंबी सी चीज है ना, या प्लेटफॉर्म हो, उसकी दोनों की लंबाई को जुड़ के टोटल डिस्टेंस बनेगा। हमने फॉर्मूला जो सीखा है, हमने फॉर्मूला यह सीखा है कि स्पीड जो होती है हमारी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, हमने ये सीख रखा है। अब यहां पर डिस्टेंस की अगर मैं बात करूंगा, तो 800 मीटर लंबी तो ट्रेन है, ट्रेन कितनी है 800 मीटर लंबी, लेकिन इसके साथ साथ मैं इसमें सुरंग की भी लंबाई जोड़ूंगा, मुझे पता है अब केस टू में क्या करना होता है। तो सुरंग की लंबाई तो मुझे पता ही नहीं है, वही तो निकालनी है, तो मुझे नहीं पता, लेकिन जोड़नी तो पड़ेगी, तो वो नहीं पता, तो उसको मैं एक्स लिख देता हूं यहां पर। तो यहां से क्या आ गया, ये आ गया टोटल डिस्टेंस,
ठीक है, टोटल डिस्टेंस ये निकल के आ चुका है। अच्छा, अगर मुझे डिस्टेंस निकालना होगा, डिस्टेंस होता किसके बराबर है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, तीसरा फॉर्मूला सबसे नीचे वाला, डिस्टेंस जो होता है वो होता है स्पीड इंटू टाइम, क्योंकि इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या क्या आएगा, आपका स्पीड और टाइम आएगा। समझ में आ रही है बात भाई, डिस्टेंस बराबर किसके होता है, स्पीड इंटू टाइम के होता है, हमें पता है। तो यहाँ पर हम क्या करें, स्पीड और टाइम की मल्टीप्लाई करें, गुणा करें। स्पीड है कितनी, स्पीड है आपकी 78 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये है किलोमीटर प्रति घंटा। डिस्टेंस है हमारा मीटर में, इसका मतलब हमें ये भी क्या करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज़ और सोचो आप, अब यहाँ पर मैं इसको मीटर पर सेकंड बनाता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई करूँगा, सोचो, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट बनानी है, तो छोटी कब बनता है बड़ा नंबर, जब उसको हम डिवाइड करेंगे किसी बड़े नंबर से, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर लगाऊंगा 5/18, 5/18, ऐसे आप याद रखेंगे इसको, ठीक है। किलोमीटर से मैंने मीटर पर सेकंड बनाया, बड़े यूनिट से छोटा बनाया, तो बड़े को छोटा बनाएंगे, डिवाइड करेंगे बड़े नंबर से, इसलिए 80 नीचे आ गया। अब यहां पर ये स्पीड आ गई इसकी निकल के मीटर पर सेकंड, इसका मतलब एक सेकंड में वो इतने मीटर चलती है, लेकिन वो चली कितनी है, वो एक मिनट तक चली है। अब एक मिनट तक चली है, ये एक सेकंड की स्पीड आई है, मतलब यहाँ पर एक सेकंड का डिस्टेंस आया, अगर हम ये देखें, क्योंकि ये है हमारा स्पीड इनटू टाइम, तो ये डिस्टेंस होता है, तो यहाँ से सिर्फ एक सेकंड का आया है। मुझे कितने सेकंड का निकालना है, मुझे तो एक मिनट का निकालना है, क्योंकि एक मिनट तक चली है, तो ये एक सेकंड का है। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 60 से कर दूंगा तो ये 60 सेकंड्स का हो जाएगा, और 60 सेकंड्स का मतलब होता है एक मिनट का हो जाएगा। तो यहाँ से एक मिनट तक ट्रेन चली, ठीक है, ये क्या है, एक मिनट तक ट्रेन चली, और एक मिनट तक चलने में कितना फासला तय किया भाई, जो ये वाला फासला था, ये वाला डिस्टेंस था, तो यहां से ये डिस्टेंस हमने बराबर रख दिया, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर लेके आएंगे। तो इस टाइप का कोई भी सवाल हो आपको ऐसे सोचना है। अब यहां पर देखिए क्या क्या कर सकता हूं मैं, 6 × 3 = 18, 6 × 10 = 12, ये हमारा 3 से कट जाएगा, 3 × 2 = 6, 3 × 6 = 18, और कुछ कटेगा बस, ये वाला 0 मेरा ये आ गया, ठीक है, 5 × 30 = 0, हासिल लगा 3, 5 × 2 = 10 और 3 = 13, ये आ गया मेरे पास 1300। इधर मेरे पास क्या क्या है, 800 प्लस x, ठीक है, मुझे तो x निकालना है, तो 800 प्लस का है, बॉर्डर पार जाकर माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस वाले नंबर बॉर्डर पार आकर माइनस के क्यों होते हैं, इसका जो हमारी क्यों वाली सीरीज चल रही है कि मैथ में हर एक क्यों का जवाब है, उसमें मैंने आंसर दिया है। अगर आपको जानना हो तो आप वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो बाद में देख सकते हैं, ठीक। तो ये वाला इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 1300 हमारे पास ये है, ये 800 माइनस का हो गया, तो यहाँ से x हमारा कितना आ गया भाई, 8 × 5 = 13 होते हैं, तो यहाँ से हमारा 500 आ जाएगा, और ये कौन सा होगा, ये मीटर में होगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो x माना क्या था हमने, x मानी थी हमने सुरंग की लंबाई, हमें बताने क्या है, हमें यही बताने सुरंग की लंबाई मीटर में कितनी है जी, 500 मीटर है। हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा, हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, 500 मीटर। तो इस तरीके से आप ये दो केस के सवाल ध्यान रखेंगे। केस क्या है, अगर कोई भी एक पतली सी चीज़ हो, मतलब कोई पेड़ हो, कोई खंबा हो, कोई व्यक्ति सिर्फ खड़ा हुआ हो, तो हम ट्रेन की लंबाई को डिस्टेंस मानेंगे, लेकिन अगर कोई लंबी चीज हो, कोई प्लेटफॉर्म हो, कोई ब्रिज हो, कोई सुरंग हो, या कोई पुल हो, तो इस केस में हम उस ट्रेन की लंबाई और उस ब्रिज की और सुरंग की उस पुल की लंबाई को जोड़कर टोटल डिस्टेंस को रखेंगे, और 18/5 कहाँ लगाना है, 5/18 कहाँ लगाना है, ये हमने इस वीडियो से सीख लिया है। तो इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं, इसका दूसरा और तीसरा पार्ट भी आएगा, जिसमें मैं आपको रिलेटिव स्पीड बताऊंगा, दो ट्रेनें आ रही हैं, ठीक है, वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो देखना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जब भी आपको वीडियो का पता लगेगा, और हाँ बेल आइकन भी दबा दें, तो जब भी वो वीडियो आएगी, 2-3 दिन बाद इसकी आ जाएगी वो वीडियो भी, तो आपको पता चल जाएगा उसका। और हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें हमें छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से सीखने के लिए, और जो भी हम नोट्स वगैरह हैं वहाँ पर, या जो भी अपडेट हम देते हैं वहाँ पर आपको देते हैं, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करें हमें, डियर सर ऑफिशियल है हमारा, और मुझे फॉलो करना है पर्सनली तो वो डियर सर अकाउंट इसको फॉलो कर रहा है, वहाँ पर आपको मेरी भी आईडी मिल जाएगी, मुझे ही फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। तो वेट करें इसके सेकंड पार्ट का, जहां पर आपको मैं रिलेटिव स्पीड सिखाऊंगा, एवरेज स्पीड सिखाऊंगा, रेशियो सिखाऊंगा, बहुत कुछ सीखना है, पूरा चैप्टर आपको मैं कंप्लीट करवाने वाला हूं अगले पार्ट्स में, तो बिल्कुल देखना ना भूलें, इसको लाइक करें, शेयर करें, मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगा एक नई वीडियो